सो गाइस चलिए चलते हैं, चलिए और एक अच्छे से जगह में घूमने के लिए जाते हैं। दार्जिलिंग कवर कर रहे हैं अभी हम लोग, तो चलिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज फिर से एक दार्जिलिंग का कुछ अच्छे जगह में लेके आया हूँ आपको। ये है दार्जिलिंग जू, ये ऊपर में देख सकते हैं, पीछे में बाइक पार्क है, ये है स्ट्रीट। चलिए जाते हैं, ये देखिए पद्मनाभ नायडू हिमालयन जूलॉजिकल, वो ऊपर में अपना बंदा लोग है यहाँ पर, ये सब। तो चलिए गाइस अच्छे टूर। आपको जैसे कि मालूम है कि अभी मैं दार्जिलिंग सीरीज़ कर रहा हूँ, दार्जिलिंग का कुछ अलग अलग डिफरेंट जगह को कवर कर रहा हूँ, तो उनमें से एक ये है दार्जिलिंग जू जूलॉजिकल पार्क, इसके बारे में बताऊँगा अंदर रास्ते से। पहले टिकट ले लेते हैं। ओ अभिषेक से कोई हाँ, अच्छा चलो, ये हमारा मेरा दार्जिलिंग का टीम है, ये इन लोगों के साथ मैं आज निकला हूँ संडे के दिन में। तो जू के बारे में बताएंगे आपको हंसते हंसते, पहले घूमते हैं चलिए। तो ये है, ये स्नो लेपर्ड के लिए भी काफ़ी फेमस है ये। इसी के अंदर में हमको मिलेगा हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि पिछले बार हम जो रॉक में गए थे तेंजिंग रॉक में, तो उसका एक्चुअली मेन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहीं पर ही है, वो भी देखेंगे। सो गाइस अभी इसी के अंदर में है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जूम भी म्यूजियम भी है। तो ये देखिए, ये म्यूजियम हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, तो अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चलिए। ये म्यूजियम, ये है म्यूजियम, तो अभी जा रहे हैं वहीं पर ही, हम भी देखते हैं कैमरा अलाउड है या नहीं अंदर में। सहनी हमें सो गाइस अभी जस्ट अंदर म्यूजियम में जाके आए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा म्यूजियम का, बहुत ही अच्छा, मतलब एक माइंड को बहुत अच्छा सुकून मिलने वाला चीज़, बहुत सारा वहाँ पर आपको मिलेगा ट्रेडिशनल चीज़ बहुत सारा रखा हुआ है, और जो तेंजिंग नोर्गे जी और बहुत सारे जो इतना माउंटेनर्स जितने भी थे जो जब एक्सपीडिशन में गए थे, तो वो सब सामान वगैरह भी रखे हुए वहाँ पर, बहुत सारे डेलीगेट्स जो आए थे उनका सिग्नेचर, बहुत कुछ रखा हुआ था अंदर में, जो हम लोग कैमरा यूज़ नहीं कर पाए अंदर में, कैमरा अलाउड नहीं है। तो देखा काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ अभी अंदर जाके आके। तो अभी फिर जाएंगे, थोड़ा बता हुआ है जू के तरफ ही जाएंगे अभी यहाँ से। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर मौसम का क्या हालत हो रहा है, और ये है पूरा एकदम यहाँ का व्यू।
तो गाइस अभी चलते हैं जू के तरफ, यहाँ से फिर आते हैं आपको और भी कुछ। यहाँ पे स्नो लेपर्ड, इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड, तो इसी चीज़ के लिए फेमस है ये जू। इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड, तो ये है स्नो लेपर्ड, देख सकते काफी बड़ा दम। काफी मजा आ रहा है यहाँ पे आके, एक नेचर के बीच में एकदम फ्रेश फील हो रहा है अभी, और ये सब देख के तो और इंटरटेनिंग भी हो रहा है, और इंटरटेन भी हो रहा है, फ्रेशनेस भी है, फ्रेश माइंड से। ये जो नीचे से दिखाया था आपको चीता, ये एकदम खतरनाक वाले ये। अभी यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत सारा बर्ड्स, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पे है, देख सकते हैं। वाओ व्हाट अ लवली, क्या मस्त कलर है भाई, चलिए हम लोग और एक म्यूजियम है यहाँ पे, बंगाल नेचुरल हिस्टोरी म्यूजियम। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या है देखते हैं, कैमरा अलाउड है या नहीं वो पूछना पड़ेगा हमको। बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, काफी अच्छा है जू। वो सामने देखिए, और बापरे बापरे बापरे, ये टाइगर जो वहां पर घूम रहा है, ये देखिए कैमरा में आपका छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अपना नेकेड आईज देखिए तो आपको बहुत डरावना दिखने वाला है वो चीज। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए वाह। चलिए इसे कुछ देखते देखते निकलते हैं, हम भी थोड़ा बाहर की तरफ ही जा रहे हैं अभी। ये है देखिए, ये देखिए तो इसी चीज के लिए काफी फेमस है ये। पीछे की तरफ में जो गए थे हम लोग, इस तरफ आपको टाइगर वगैरह जितना भी सब उधर मिलेगा। अभी लास्ट में जो दिखाए भालू थे, अभी इस तरफ जाना पड़ेगा हमको पांडा देखने के लिए, जो कि जिस चीज़ के लिए ये जू एकदम फेमस है। तो देखते हैं चलिए आगे, रेड पांडा और कुछ रेप्टाइल्स का यहाँ पर कुछ मिलेगा, तो चलिए वही देखते हैं अभी। ये रेप्टल हाउस, गोल्डन फिश।
मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस हो रहा है यहाँ पे कुछ सब ये भी अंदर मेंटेनेंस में यहाँ पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है किसी दिन आएंगे ये देखिए लेपर्ड कैट हिमालयन मोनाल ये नेपाल का नेशनल एनिमल नेशनल बर्ड है नेपाल का मोनाल स्टोर रूम तो बहुत कुछ ही नॉलेजेबल चीज़ भी मिला बहुत कुछ इंटरटेनिंग भी देखने को मिला यहाँ पे काफ़ी अच्छा था अच्छा एक्सपीरियंस था मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग भी एक बार आके खुद देख लीजिए क्योंकि जो सामने में देखने में मज़ा है यहाँ पे जो एकदम जो आपको मज़ा मिलता है यहाँ पे आके सुकून जो मिलता है ये देख सकते हैं आप देखिए वेदर का क्या हालत हो रहा है एक साथ में धूप भी आ रहा है साथ में कुहासा ऐसा है तो काफ़ी अच्छा जगह है मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग आके यहाँ पे विजिट कीजिए किसी दिन दार्जिलिंग आएंगे तो अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे फिर इसके बाद में मिलता हूँ आप लोगों से सो गाइस चाय पीना तो हो गया चाय पिए अभी यहाँ से निकलेंगे अपने रूम की तरफ काफ़ी अच्छा दिन गया यहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह है आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा लोग अभी निकलने का टाइम ही हो रहा है थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है अभी तो गाइस अभी यहाँ से निकलेंगे हम रूम की ओर तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं आई होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया होगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो और कमेंट करना मत भूलिएगा अभी मेरा दार्जिलिंग सीरीज़ का जो चल रहा है ये तीसरा वीडियो है ये तीसरा वीडियो दार्जिलिंग और भी आएगा और भी बहुत सारा जगह है देखने के लिए तो आएगा तो टिल देन प्लीज सब्सक्राइब एक्सप्लोरर सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी